साडे चैनल ते होर नवीआं ते ताज़ा न्यूज़ देखण लई साडे सच ते पैरा टीवी चैनल नूं सबसक्राइब करो अते इस दे नाल ही दित्ते गए बैल आइकन नूं दबाओ। धन्नवाद। गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल पात्रा च सेहत विभाग ने लगाया वैक्सीन कैंप। 120 व्यक्तियां दे लगाई गई वैक्सीन। पंजाब सरकार दे वल्लों कीतियां सख्त हदायतां दे मद्देनजर वैक्सीन लगवाउण दी शुरू कीती मुहिम तहत सेहत विभाग दी टीम दे वल्लों गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल पात्रा दे विच वैक्सीन कैंप लगाया गया, जिदे विच 18 तों 44 साल तक दे 120 व्यक्तियां नूं वैक्सीन लगाई गई। इस कैंप दे विच नगर कौंसल पात्रा दे प्रधान रणवीर सिंह विशेष तौर ते शामिल होए। उन्होंने समाजिक अते धार्मिक संस्थावां दे वल्लों वख-वख कोरोना रोकथाम दे लई वख-वख कैंप ला के प्रशासन दा साथ दित्ते जाण दा धन्नवाद करदिआं कहा कि अगर वैक्सीन कैंप दी रफ्तार लगातार जारी रही तां जल्दी ही शहर नूं वैक्सीन लगवाउण दे विच कामयाब हो जावांगे। श्वेता गर्ग ने लाई जा रही वैक्सीन संबंधी जानकारी दिंदिया कहा कि वैक्सीन हर एक नूं लगवानी चाहिए तां जो कोरोना महामारी नूं मात दित्ती जावे। जिहड़ा अज्ज कैंप लग्या वा गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल जिहड़ा है अपने पात्रा दा इधर आ जाओ पात्रा दे विच लग्या वा ते इह केंद्र सरकार ते पंजाब सरकार दे वल्लों जिहड़े कोरोना महामारी दे जिहड़े रोकथाम लई जिहड़े वैक्सीन दे टीके लाए जा रहे ने उहदे तहत कल डिविजनल कमिश्नर जिहड़े ने चंद्र गैंग जी आए सीगे उहनां ने भी समुचे इलाके दे सरपंच पंचां नूं ते सानूं भी बेनती कीती वी वध तों वध टीके लवाए जाण। पर मैं दसना चाहांगा कि पात्रा शहर के अंदर जिहड़े नौजवान पीढ़ी है वो जागृत हो चुकी है। वो जिन्हें भी कैंप लाए जा रहे हैं भावें वह राधा स्वामी सत्संग घर च होण भावें गुरुद्वारा साहब च होण भावें वह शिव मंदिर च होवे भावें निरंकारी भवन च है भावें डेरा सच्चा सौदा के सत्संग घर च है जे वैक्सीन साढ़े को 500 टीके आती है तो 700 जिहड़े ने टीका लवाने लई साढ़े नौजवान पीढ़ी है वह हाजिर होंदी है। कल मैं बेनती की कमिश्नर साहब नूं कि सानू वध तों वध जिहड़ी वैक्सीन भेजी जाए। मैं कहा जिस ढंग दे नाल साडे नौजवान ते जिहड़े बजुर्ग जागृत होकर टीके लवा रहे हैं जे सानू पूरी वैक्सीन मिली तां बहुत जल्दी असीं पात्रा शहर दे जिहड़े समुचे जां टीकाकरण उहदे काम लवाउण च कामयाब होवांगे। इहदे लई मैं सारे शहर वासी धन्नवाद। ਨਾਮ ਸ਼ਵੇਤਾ ਟੰਡਨ ਜੀ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਕਾਨਗੜ ਰੋਡ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਚ ਲੱਗੇ ਆ ਜੀ ਅੱਛਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੈਨੂੰ ਟੀਕੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਵੀ ਲਗਵਾਇਆ ਕਿ ਡਰ ਹੈਗੇ ਵੀ ਇਹ ਟੀਕੇ ਲਵਾਉਣੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਖੁਦ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਲਗਵਾਇਆ ਬੇਟੇ ਨੇ ਲਗਵਾਇਆ 19 ਇਅਰ ਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਹਾਂਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾਓ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕੀਏ ਮਾਸਕ ਤੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਮਾਸਕ ਹਾਂਜੀ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਓ ਇੱਕ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਵੀ ਕਰੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ ਪਾਤਰਾ ਤੋਂ ਸਤਪਾਲ ਗਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।